बाबू ई लो प्रसाद। लाओ बेटी। बाबू अपनी उम्र का तो ख्याल किया करो, अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। अरे बैठे खाले खाना भी तो हजम नहीं होता, रिटायर आदमी हूँ ना, चूरन खाकर पेट ठीक रखने से अच्छा है घर का छोटा मोटा काम कर लो बेटी। पर बाबू आपको जरूरत का है काम करने की, हम जो है काम करने को। सारे काम तो तुम अकेली ही करती हो, मंजरी को तो खुली बछड़ी की तरह छोड़ दिया, ये लाड ठीक नहीं है बेटी। देखो बाबू झूठी निंदा मत करो, मंजरी तो हमेशा हमारे साथ काम में हाथ बटाती है। जानते हैं वो तो जुड़वा बहन, पर तुम तो उसकी माँ बन गई और हमारी भी। भगवान तुम्हें मनचाहा सुहाग दे। अरे शर्मा गई, देख लेना इस फागुन में हम तुम्हारा ब्याह करके ही रहेंगे। अरे तेरा ब्याह हो जाएगा फिर तो मंजरी का सोचेंगे ना। तुम्हारी बंसी हमारी दुश्मन है, दुश्मन हमें से तोड़ देंगे। अरे 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 दुश्मन तो तू है हमारी इस बंसी की। देख गोपू बंसी बजाने का भी कोई बखत होता है, बेला होता है ना। हमारी बहन तुलसी अच्छी है तो उसका ये मतलब तो नहीं हम सारा काम उस पे छोड़कर तुम्हारी इस बंसी के आगे पीछे घूमते रहे। गोपू गोपू तू हमें प्यार करता है ना, तो ये बंसी नहीं बजाएगा ना, हमें कितने सारे काम करने है ना। Thank you.
बजरे? अरे वही मूरख सिंह नदिया के पार जंगल में बैठे शिकार कर रहा होगा। मूरख सिंह? हाँ। ये कौन है? अरे वही मूरख ठाकुर मूरख सिंह, 10 साल बाद शहर की खाक छानकर गांव लौटा है। हाला ढूंढो शिकार। ढूंढ दे है शिकार, मिल गया। ये बढ़िया शिकार हो, एकदम चका चक। मध की प्याली और बज गई है ताली। ठाकुर साहब एकदम बढ़िया शिकार है तोरे खातर, अब लगा दे है निशाना, देखत का हो। कैंची की तरह जबान चलाया जा रहा है, अब बंदूक में क्या तेरा सर भरू? बंदूक खाली और बज गई ताली। अरे ठाकुर साहब हम तो का शिकार बताए और तुम देखो आए बाएं। बकवास बंद कर, शिकार बता। देखा देखा तेरी दूरबीन से देखा, ये सामने वो उधर। अरे हमारी इस बंसी ने तो हमारी बंसी बजा दी। का हुआ? अरे वो हमारा बड़का भैया है ना गणेश भैया, वो सुबह की गाड़ी से स्टेशन आने वाला था और हमको उसको लेने जाना था, हम जाते हैं। गाड़ी तो छूट गई, अब वह झाड़ू मारेंगे का? अरे हमारी माँ हमारी झाड़ू मार देगी, चलो भाग लो। क्या हुआ? हमारा घड़ा नदी पे। वो तो डूब चुका होगा। तुम्हारी वजह से हमारा घड़ा डूब गया। तुम्हारी वजह से। अरे ये शिकार गोली से नहीं नैन से किया जाएगा। वाह, मगर ये है कौन? अरे सरकार एक हुई तो बताई, दुई दुई है दुई दुई। ये वाली कौन है? मंजरी है सरकार, मंजरी। ये मंजरी तो बिजली है, बिजली। अरे ठाकुर साहब एक ही नहीं, इसकी जुड़वा बहन भी है, उनके साथ भी तो हाथ टकराव हो सकत है। उनके बारे में हम तो कब पहले से बता दे, जो पहने सारी और खिले कमल के फूल सी, उनको समझ ले और तुलसी। तुलसी साड़ी वाली। हाँ, और जो पहने घाघरा चोली मस्त मस्त चटकीली चटकीली, हसे तो जैसे फूल झरी, उको समझ लो का मंजरी। घाघरा चोली वाली मंजरी। मंजरी मंजरी और तुलसी। बज गई ताली। हजूर आप तो बेफजूल में बाजार में पैसा फेंक के जवानी बर्बाद करो थो, और यहाँ मव्वे के फूल का रस चूसत है मवाली। क्या बकवास लाला, हमें जो माल नहीं मिलेगा उसे दूसरा भी कोई नहीं खा सकता नहीं। मसल के रख दूंगा, क्या समझा? मसल तो है। ये लौंडा कौन है? ये लौंडा करतार सिंह का बेटा गोपाल हो, जो उनका एक भाई फौजी रहा, फौजी। लागू भजनी अम्मा, जीते रहो। अरे बेटा कौन हो तुम? हाँ पहचाना नहीं, हम करतार सिंह ठाकुर के बेटे गणेश सिंह हैं। वही महेश्वर वाले? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम भी मिलिट्री में भर्ती हो गए का? हाँ हम भी मिलिट्री के जवान हो गए। हम ठाकुर के बेटे हैं, देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। भैया तुम भी बिल्कुल उन्हीं की भाषा बोलते हो, मिलिट्री गए और फिर लौट कर नहीं आए, तुम्हें देखकर उनकी याद आ गई। अरे अम्मा आप तो शहीद की बेवा हो, इसलिए सबसे पहले हम आप ही के चरण पूजने आए हैं। ये देवीलाल पटवारी की बेटी तुलसी है, पूजा को रोज नित नियम से आती है, बड़ी ही शुद्ध लड़की है। शुद्ध जीवन के तो हम भी पुजारी हैं। अच्छा अम्मा आज्ञा दो, छुट्टी पर आए हैं, देखो अभी घर भी नहीं पहुंचे। अच्छा नर्मदा मैया तुम्हारी रक्षा करे। महेश्वर वाले करतार सिंह का बेटा गणेश है, बड़ा ही नेक लड़का है, दोनों भाई ये और गोपाल हीरे हैं हीरे।
माँ। अरे आ गए बेटा। हाँ। अरे हम तो तुम्हारे नाम की माला जप रहे थे। माँ गोपाल कहाँ है? क्यों तुम्हें लेने नहीं पहुँचा? अरे माँ वो कहा हुआ कि हम गए तो थे पर रास्ते में तनिक देर हो गई। कैसे हो भैया? अरे भैया के भैया पहले ये बता कि इसकी देरी कैसे हो गई? देरी कैसे हो गई? कैसे हो गई देरी? अरे मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस रोज आटा पिसाने भेजा था, सुबह का गया शाम को लौटा। आज तो मैं तुझे ठीक करके छोड़ूंगी। अरे माँ 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 तेरी चरणों की सौगंध माँ। हमारी जो बुद्धि है ना उतनी कमजोर है, मैं उसे मजबूत बनाती हूँ। क्या कैसे करोगी? जैसे झाड़ू। अरे माँ मैं दुबला हो जाऊंगा माँ। अरे क्या करी मैं दुबला हो जाऊंगा? तू मेरी सौतेली माँ तो नहीं है? सगी है। अरे भैया वो कहा है ना ये हमारी बांसुरी जो है ना वो हमें हमेशा पिटवाती रहती है। भगवान को साक्षी रख कर कह रहे हैं। माँ जाने भी दो ना, ये तो है ही बैजू बाबरा। भैया ठीक कर रहे हैं, हमारा का दोस्त। अरे बुद्धू जीवन में क्या करोगे, यही चिंता हमें खाए जा रही है। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तू बे फुजूल की चिंता करती माँ। अरे हमारा का तुम्हारी और भैया की शरण में जिंदगी भर बैठे रहेंगे। पेट भरने के लिए 2 बीघा जमीन काफी है। भैया तुम्हें काम कर लो फटाफट, हमारे लिए सुंदर सी भौजी ला दो। सारी वसूली हो जाए तो हमारी दो दो फैक्ट्री होंगी रुई की। दो दो लाला रुई तुम संभालो। हा? हम तो इस गांव की रेशम संभालेंगे। कोई जा सारा चाहिए कंबक धोखा दे गई वरना दबा देता। किसको सरकार? वही लाला जिसे मिलाकर तुमने मुझे घायल कर दिया। हाय ऐसी बिजली तो शहर में भी ना देखी थी साली। ठाकुर साहब लगता है बज गई ताली। अरे आग लगे तेरी ताली को। हाँ, अरे हम सब जानत हैं ठाकुर जी को देवीलाल की 2 पटाखा दिखाए दिए हो। खूब पहचाने मंथरा रानी। और जब से ऊ पटाखा देखे हैं उके नाम की हिमाला जपत है। वो तो इज्जतदार आदमी है, नहीं तो कब उसे हरण कर लिए होते। ले जान खा पा। अरे फिर तड़ी हिंग जैसी बात करे हो। अरे हरण मरण में कहा रखा है? हम तो कहे हैं दाना डालो दाना, मुर्गी अपने आप चली आवे है। हाँ। तो ले दाना। ला दाना। ठाकुर जी क्या? हमरे मन में तो बस एक ही अरमान है, देवी लाल की 2 छोरी में से कम एक तो तुम्हारे साथ फंसनी चाहिए। हाँ। अरे तू फिकर मत कर मंथरा, हम भी घात लगा के बैठे, मौका मिलते ही बाज की तरह झपट लेंगे। क्यों गई? अपने पवित्र हाथों से ये फूल भी चढ़ा दो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। पवित्र तो वो है जो बिना स्वार्थ अपनी जान देश पे निछावर करते हैं। धन्यवाद, ये लो फूल चढ़ा दो। सुनो तुम्हारी थाली प्रसाद तो देती जाओ। तुम्हारी पूजा की प्रसादी का सौभाग्य अभी भगवान ने हमें दे दिया। हाय दैया, भगवान का मंदिर और आशिक और मशियू के मिलने का ठिकाना। ओ मेरी मंजीरी, ओ मेरी मंजीरी। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, अरे चले आ रहे हो लाट साहब की तरह? अरे हम तुम्हारी तरह आजाद थोड़ी ना है। अरे हमें सारा घर का काम करना पड़ता है और अगर हमने नहीं किया तो हमारे बड़े भैया को करना पड़ेगा, और वो हमारे तुम्हारी तरह अरे गहरे थोड़ी है, मल्टी के अफसर है। अफसर अफसर? अरे जमादार होंगे। जमादार नहीं अफसर। जमादार मुँह संभाल कर बात कर छोकरी। जमादार तू, तेरा बाप, तेरी बहन, तेरा सारा खानदान। अरे हमारे भैया तो गांव के हीरा है, हीरा पवित्र पानी है, समझी? फौजी रंगरूट और पवित्र प्राणी। अरे पवित्रता के दर्शन करने हो तो हमारी बहन तुलसी के करो, तुम्हारा तुम्हारे भैया का जीवन सफल हो जाएगा, समझे? अरे जा जा, जीवन सफल करने वाली
पीपल और पत्थर पूजने से पवित्र बन जाती है का? अरे हमारा भाई मलाट्री का अफसर है और हम उसके छोटे भाई हैं। उसमें बात कर। आए हाय, अफसर के भैया की शकल तो देखो जरा, थोथा चना बाजे घना, भाई के बट में बड़ा अकड़ा फिरे कबूतर। देखो जो हमारी तुलसी को गाली दे उसके मुंह पर थू थू थू, और जो हमारे भैया को रंगरूट बोले उसके भी मुंह पर थू थू थू। चल जाए यहाँ से। तू जा। नहीं जाएगी। तू नहीं जाएगी। नहीं, नहीं जाएगी। नहीं। तो हम चले जाते। अरे जा जा, कौन आएगा तुझे मनाने? बड़ा आया जमादार कहीं का। हमें सबक नहीं बोलेंगे? हमें समझा का उसने? अरे गोपू, हम का बड़ा बना उसको? अब तुम ही बताओ कि पीपल का पत्ता पत्थर पूजन से परमेश्वर बन जाता है क्या? बोलो। बन भी जाता है? नहीं भी। अरे लेकिन हमको आज फैसला करना है। हमने जब उसको मालूम है वो कमलपुर की मंजरी, हमने जब उसको बताया कि हमारा भाई मल्ट्री में अफसर है तो हमें कहा बोलती मालूम है जलन के मारे? वो बोलती तेरा भाई जमादार होगा, जमादार। अरे कहा उसके बोलने से हम जमादार हो गए का? अरे लेकिन हमने भी पलट कर बोल दिया कि तू जमादार, तेरा बाप जमादार, तेरी माँ जमादार, तेरी बहन जमादार, तेरा सारा खानदान जमादार, तुम्हारे बारे में जो भी बोले। बस मेरी बात तो सुनो भैया, तुम दोनों के झगड़े में तुमने उसकी बहन तुलसी को गाली क्यों दी? क्यों किसी डे बेचारी को? बहुत नितने वाली है। अरे लेकिन भैया तुम तो हमी को दोषी करार दे रहे हो। देखो भैया, अच्छे लोगों को भूल कर भी आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। अच्छा अब जाओ, जाकर माफ मांग। अच्छा ये लो कर लो बात, इनसे न मांग कर तो हम फंस गए भैया, इन्होंने बोला तो हमको माफी मांगनी ही पड़ेगी। एक तो तुमने झगड़ा किया, ऊपर से गोपाल के भैया को जमादार कहा, ये ठीक बात नहीं है मंजरी। लो तो तुम भी अम्मी को दोष दे रही हो। वाह रे तुम्हारा न्याय। न्याय नहीं, नीति की बात है। अब देखो जैसे तुम हमसे आके बतिया रही हो वैसे गोपाल उनसे कहेगा तो अपने खानदान की नाक नहीं कटेगी। कहा सोचेंगे वो लोग, कैसे मुंहफट लड़कियां हैं। ये तो है, कुछ समय हम बहुत ज्यादा बोल गए। फिर का जाके गोपाल से हाथ जोड़ के माफी मांग लो, उसके भैया इस इलाके के सिरमौर हैं। ऐसे देवता जैसे भले मानस को खोटे वचन बोलो तो भगवान भी पाप देते हैं। पाप पुण्य बीच में आ गया, बिना माफी मांगे काम नहीं चलेगा का? हमने कहा ना अभी जाके गोपाल से माफी मांगो। एक तो तुम हमें दुत्कारे, उस पर भी हम यहाँ, और तुम आसमान देख रहे हो। एक तो तुमने हम पर थूका, उस पर भी तुमको मिलने हम यहाँ आए। तो कौन सा एहसान किया? ससुरी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ससुरी? ससुरी किसको कहते हो? रस्सी को। हाँ? अरे हम खुदे को तो कह रहे हैं और किसी को नहीं। देखो बात घुमा के मत बोलो, सीधी तरह से ऐसे कहनी बोलते, ए मंजरी तूने अपराध किया है हमसे माफी मांग लो तो हम माफी मांग ले। ऐसे कैसे हो सकता है, अपराध हम किया हम माफी मांगे? तो जल्दी माफी मांगो, हमें बहुत से काम करने हैं। हमें माफ कर दो। हमें भी माफ कर दो। किया किया, हम जा रहे हैं। Thank you.
घन श्याम से तभी तो पुकारे तो है राधा राधा नाम से सुना था ठीक वैसा ही पाया एकदम धरती पर चांद जवाब नहीं चंचल हिरनी जैसी आंखें रेशमी मुलायम बाल कसम से अगर मैं शायर होता ना तो तुम्हारी इस जवानी पर कविता कह सुनाता अरे धरती हो हम कोई गैर थोड़े हैं हम तो तुम्हारी बिरादरी के बहुत बड़े ठाकुर ठाकुर मोरत सिंह हैं देखो हमसे ब्याह रचा लो हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे सारी दुनिया घुमा देंगे हम हाँ क्या रखा है इस गांव की सड़ी हुई जिंदगी में खबरदार जाओगे बड़े तुम हम जानते हैं तुम कौन हो कहो
रास्ते में अकेली लड़की का रास्ता रोकते तुम्हें शर्म नहीं आती? पापी। हम पापी हैं? हम बेहया हैं? और वो जो फौज में इंसानों को मारता फिरता वो पापी नहीं है? देखो सीधी तरह से मान जाओ वरना आज नहीं छोड़ेंगे हम। मेरा नाम ठाकुर मूरत सिंह है। मैंने बड़े बड़ों की सूरत बिगाड़ दी, तूने मेरी सूरत बिगाड़ दी। अरे तुलसी क्या हुआ, रो कह रही है? अरे बता ना, बता, हमारा मन बैठा जा रहा है। मूरत सिंह बदमाश ने हमारा रास्ता रोका, भगवान ने हमें बचाया। मूरत सिंह उसकी तो हम मंदिर में अकेले दिया लगाने जाते, वो बदमाश हमसे जरूर बदला लेगा। हम अभी बाबू को बताते हैं। नहीं बाबू, उन जालिम लोगों का क्या कर लेंगे? ये तो तुम ठीक कहती हो, इसका इलाज तो हम ही करेंगे। इस मूरत सिंह की अगर सूरत ना बिगाड़ी तो हमारा नाम भी मंजरी नहीं। ठीक से काम करो वरना एक एक की खाल खींच लूंगा साले हरामी के पिल्ले। कल की बात से हम बहुत दुखी हैं, हमसे भूल हो गई, पछता रहे हैं, हमें माफ कर दो ना। तो फिर समा जाओ हमारी बाहों में, दिल की प्यास बुझे। अरे यहाँ नहीं, लोग बाग देख रहे हैं। तो फिर कहाँ? नदिया के किनारे दोपहर में अकेले में। हाँ कहाँ से कहाँ हो गया रे, किसे बताएं, किसे सुनाएं, ये कहाँ हो गया रे तुलसी अरे यहाँ से संभालना। अरे क्या संभालू है क्या, तुम लोग कैसे संभालते हो ये सब कुछ है? अब देख देख देख, ठीक है ना, शक्ल दिख तो नहीं रही? नहीं। आई है क्या लगती है? खट खट खट, तू मेरी सहेली है ना? हाँ। तो फिर पप्पी दे दे। बक, तुम्हारे प्यार की खातिर थोड़ी देर के लिए हम ये बन गए, अब आगे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। गोपू तुम अल्ले कुछ भी कर सकता है। यस, कुछ भी, सिर्फ तुम्हें भूल नहीं सकती। सच्ची? अरे वो आ गया, हम छुपते हैं। आ गया, आ गया। तो यही बुलाई थी। अरे तुलसी कहाँ चली गई अपने आशिक को छोड़कर? तू यहाँ है नशीली और मैं तुझे सारी जगह ढूंढ आया हूँ। क्या है? मेरा डंडा। निकाल दो। जो तू कहे। अरे पर ये घूंघट कैसा, अब तो सारे पर्दे हट गए हैं। कोई देख लेगा ना? नहीं नहीं कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। अब तो मेरी बाहों में आ जा, बहुत शरीर है। अरे मेरी लला, बहुत तगड़ी है, देसी की खाती है ना। अरे 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 सुन तुलसी, अरे देख के कहीं कमर नचक ना जाए, पैर में मौत ना आ जाए, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, ऊंचे नीचे पत्थर है, आगे तो होने वाली घबराए ना ठाकुर की, मैं खुद ही गिर रहा हूँ, देख के तुलसी रुक दो कुछ। मेरी लैला अब भी से इतना भगाती है, आगे क्या करेगी? बे 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 बे, तेरी बेबे में कितना प्यार है। तुझे बकरी बहुत अच्छी लगती है, पालने को तो खाने को वो मांसाहारी है, मैं तुझे बकरी भी ले दूंगा। अरे
साले आँख फोड़ दी, किसी ने देखा तो नहीं, इधर उधर देखो किसी ने देखा तो। तुलसी तुलसी, लेकिन ये गई कहाँ, इश्क में क्या क्या करना पड़ता है। अरे, 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 अब नहीं छोड़ूंगा, अब आ गई ठाकुर की बाहों में। हम समझ गए बिटिया, गणेश तुम्हें पसंद है, वो भी ठाकुर, तुम भी ठाकुर, जोड़ी अच्छी रहेगी। नहीं, नहीं मुझे वो, हम बात चलाएंगे। भगवान तुम्हारे मन की पूरी करे। तुम ठीक कहती हो बहना, तुलसी बड़ी लाजवंती लड़की है, हमारे घर में खूब शोभा देगी, पर वो हमसे ऊंची ठाकुर है, हमें लड़की नहीं देंगे। अरे काहे नहीं देंगे, गणेश जैसा हीरा उन्हें कहाँ मिलेगा, हमें भजनी बहना कहके बहुत इज्जत देते हैं, हम बात चलावेंगे। तुम हमारी तरफ से तो ये समझो, पर उनसे भी बात कर लो। अरे बहना हमें तो ऐसा लगे है कि भगवान जोड़ी जमा के भेजे हैं, अब हम चले। अरे थोड़ी देर बैठोगी नहीं? अरे नहीं, पहले बात चलावेंगे। बेटी तुलसी। हाँ मौसी। तुम्हारे बापू कहाँ है? पिछवाड़े में। आज हम तुम्हारे काम से आए हैं। देवी ठाकुर। अरे पत्नी जोगन, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? अरे हम तुलसी बिटिया के लिए रिश्ता लाए हैं। वो तो बड़ी खुशी की बात है, हम भी इस फागुन में तुलसी का हाथ पीला करने के विचारे हैं। अच्छा कौन है वो लोग? अरे वही गणेश सिंह। अरे हाँ, वो पड़ोसी गांव वाले करतार सिंह का लड़का जो मिलिट्री में है। हाँ हाँ हाँ, हीरा है ना हीरा। हाँ लड़का अच्छा है, तभी तो बात लाए हैं, अब झटपट जमा दो। वो तो ठीक है, मगर मगर पत्नी जोगन, वो हमसे गुनी से ठाकुर है, छोटी बिरादरी में हमारे लड़की हम कैसे देंगे, इतना क्या कहेंगे? हित नात और बिरादरी के लोग काम नहीं आते, हमारी बात मानो, उनको लड़की पसंद है और वो दहेज भी नहीं लेंगे। नहीं जोगन, नहीं, हम वारिश्ता नहीं करेंगे। हमरा मान भी नहीं रखोगे? सवाल मान का नहीं है, जाति की भी कोई मर्यादा होती है, ये रिश्ता हम हरगिज नहीं करेंगे। ठाकुर हम आपसे माफी चाहते हैं, खेत खलियान बेच देंगे, मगर छोटी जाति में हम अपनी लड़की नहीं देंगे, हम एक से बढ़कर एक लंबरदार अफसर ढूंढेंगे हमारी तुलसी के लिए। ठाकुर जब नीचे लोग घर में रिश्ता लाने लगे तो समझ लो ऊंचे घराने में लड़की की बदनामी हो गई। क्या कहती हो? हम ठीक कहते हैं, अब पीछे तो वक्त हाथ से निकल गया तो छोटे ठाकुर हाथ झाड़ेंगे। हाँ अरे मंत्रा तो तुम्हारी शुभ चिंतक है, बड़े घराने में रिश्ता करा देंगे, लड़का अफसर है,
हमारे साथ चलना। सोचते क्या हो, छठ मंगनी और पट ब्याह। हाँ बाबू, हमारा ब्याह गणेश के साथ नहीं करेंगे। हमने तुम पे कितना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ छल किया। अब हम तुम्हारी भक्ति कभी नहीं करेंगे, तुम्हारी दरी पे कभी पांव नहीं रखेंगे। अरे लोग जात बिरादरी की बात करते हैं, भगवान रामचंद्र से कोई ऊंचा ठाकुर हुआ है? वे भी शबरी के बेर खाए हैं। वेद व्यास जी महाराज महाभारत लिखे हैं, मगर वो भी मछेरन के बिटिया के बिटवा थे। अरे माँ, अरे हमसे कोई पूछे तो बतावे। ए माँ, क्या है गुस्से में, काहे इतनी भुनगुना रही हो बात? अरे तू जाके बंसी बजा बंसी, तुझे का? हमारे गणेश जैसा हीरा लड़का 25-50 गांव में लालटेन लेकर ढूंढेंगे ना, तब भी ना मिलेगो। सही बात है, पर झांसी की रानी हुआ का? अरे हमें भूत लग गया है भूत, तू जा यहाँ से। अरे जाते हैं, पर वो खेत में खाना भेज देना। हाँ हाँ जा। हमें तो लड़की के लक्षण अच्छे लगे थे, इसलिए बात चलाई। अब देखते हैं कौन राजा इंद्र का बेटा मिलता है इन्हें। मंथरा, ठाकुर देवी लाल जी हमारी बिरादरी के हैं, इसलिए रिश्ता तो मंजूर है, लेकिन शादी ब्याह का व्यवहार भी तो जरा बराबर की हैसियत से होना चाहिए ना, कौड़ी कौड़ी जोड़ के। ये बात तो ठीक है, वो तो होगा ही। देखिए बुरा मत मानना, अब हमने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और नौकरी के लिए तो 20,000 रिश्वत में देने पड़े, कौड़ी कौड़ी जोड़ के। हमारे पटवारी जी भी कुछ कम हैसियत के नहीं है, पटवारे में खूब नकद किए है। हाँ नहीं नहीं मंथरा, हम आज तक रिश्वत की फूटी कौड़ी नहीं खाए। तुम चुप रहो जी। हाँ सेठ जी बोलो, क्या लोगे? सोफा सेट, फर्नीचर, रेडियो, टीवी। ओ, बस बस, ये सब चीजें तो आजकल सभी दे रहे हैं कौड़ी कौड़ी जोड़ के। मेरा मतलब था कि अरे हाँ फटफटी वो भी मिल जाएगी और साथ में 20,000 नकद भी। हाँ इतना हम पे कहाँ। देखो देवीलाल जी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? सब लड़की वाले यूं ही कहते हैं, लड़का हीरा है और लड़की रतन। हाँ सेठ जी बोलो और क्या लोगे? मंथरा। ओफो देवीलाल जी, आप फिकर मत करो, बात बिगड़ने नहीं दूंगी, जरूरत पड़ने पर अपने गहने तक बेच दूंगी। हाँ ठीक है, हम आपको दहेज की छोटी सी लिस्ट बनाकर दे देंगे, लेकिन नकदी में 20,000 कम है, हम 30,000 लेंगे। वो तो लड़की खूबसूरत है इसलिए हम मान गए, वरना 50-50,000 वाले चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं कौड़ी कौड़ी जोड़ के। सब मंजूर है हमें, देवीलाल जी हाँ कह दो। हाँ कितने शरीफ है हमारे समधी जी, आज भला 20,000 छोटा है कोई? जी जी हाँ कह रहे। हाँ देखिए जी, हम साफ कह देते हैं 30,000 लेने के बाद ही बारात द्वार में प्रवेश करेगी। हाँ सब मिल जाएगा, सब मंजूर है हमें। हाँ देवीलाल जी, देवीलाल जी चलिए, बस का वक्त हो गया। हाँ नमस्कार। नमस्कार। बापू मुझे इतनी सी नौकरी दिला के इतना बड़ा दहेज ले लिया तुमने, अगर मुझे नेता बना देते तो सारा देश दहेज में मांग लेते। हाँ क्या सोच रहे हो देवीलाल जी? अच्छा कैसे कहा होगा, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाय दैया, अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है? तुम ही ने तो कहा था कि सारी जमीन बेच देंगे। हाँ बेचनी ही पड़ेगी, नहीं तो पहाड़ जैसा दहेज कैसे दे पाएंगे? चिंता की कोनो बात नहीं, वो अपने महेश्वर वाले ठाकुर मूरत सिंह जी है ना, उनसे कह के तुम्हारी जमीन बिकवा देंगे। हाँ कौन, वो रुई के व्यापारी? अरे हाँ हाँ वही तो, बड़े भले आदमी है, तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। हाँ अरे जल्दी पेट ढीठ कहेंगे, जल्दी पे हमें जाना अभी। बाबू ए बाबू का हुआ, ऐसे काया डाल दो? कुछ नहीं बेटी, तुलसी का ब्याह पक्का करके आया हूँ। तुलसी का ब्याह पक्का करके आया हूँ? हाँ बेटी। अरे तब तो मजा आ गया। देखो अब तो दिन भी कम रह गए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें मुहूर्त करने की क्या बात है, चलो
अरे अरे बेटी क्या कर रही हो मैं? तुम्हारा क्या हो रहा है? हमें काम करने दो। हम कह रहे हैं हमें तंग मत करो, जाओ यहाँ से, हटो। ससुराल जाएगी हमारी प्यारी बहनिया, बनेगी दुल्हनिया, आएगी बारात, हम तो नाचेंगे गाएंगे, जीजा जी की छुट्टी कर देंगे। हमें परेशान मत करो। तो हमसे लजा रही हो? अभी बताते तुम्हारी लज्जा को। हम निकालना छोड़ो। अरे दरवाजा काहे बंद कर लिया? मनी मन तो खूब लड्डू फूट रहे होंगे, हमारा ब्याह होगा, दूल्हे के पास जाएंगे। अरे हमारा तो सोचो, हमारा क्या होगा? नाचना गाना बजाना खाना पीना सब हम ही को तो करना पड़ेगा। मान गए मंथरा, मान गए, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लाला मालिक। लाला जी, कल देवीलाल तुम्हारे पास अपनी जमीन गिरवी रखने आए। आने दो। बयाने के 10,000 रुपए देकर बाकी की रकम कॉल कर दो, समझे? समझ गया सरकार, देवीलाल की बेटी की शादी में उसकी इज्जत को उछालने का प्लान तैयार। पहला वार तुलसी पे करेंगे, फिर मंजरी से शादी करेंगे और गोपाल से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है। हाँ। शाम पड़ गई, अब तुम मंदिर में दिया लगाने नहीं गई? अब हम घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, अपना सारा नेम धर्म तुम्हारी सेवा में लगा देंगे। जानते हैं तुम्हारी मर्यादा बेटी, जब तुम ससुराल चली जाओगी तो हमरा क्या होगा? अरे तुम्हारे लिए ऐसा अवसर दूल्हा देखे हैं, राज करोगी राज बिटिया। तुम खुश रहो, उसी में हमारी खुशी है। यहां कर दई है दस्तखत, यहां हो गया, और यहां लगा दई है अंगूठा, यहां बस हो गई सब कुछ। ए लई है चाय की प्याली, बज गई ताली। लाला जी। हाँ जी। अब मेरे प्यारे देवी चाचा को 10,000 रुपए दे दीजिए। दे दी है, दे दी है, जान दे दी है। आप हमको दे हैं और हम इनको दे हैं। ए ले 10,000, हमको दे दो ताली। और हमें तो, अरे भाई 40,000 रुपए देने ना। लाला कुछ दिनों में सब पैसा दे देना, मगर शादी का और दहेज का चुपटा सामान भी तो हमें लेना है। दहेज का सब सामान हम ला दे हैं देवीलाल जी। लो ये काम भी बैठे बैठे बन गया, जब हम बीच में पड़े हैं तो सारा काम सुंदर सजा देंगे। बस हमारी इज्जत रख लेना, तुम ही लोगों का आसरा है। अच्छा जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की, घबराओ नहीं, चलिए देवी दयाल जी मंगाले बजाओ ताली। जय 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 हो गई, जय जय। भजनी अम्मा तुलसी दिखाई नहीं देती, बीमार है का? हमका नहीं मालूम। ओ भैया जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी, जाना है कि नहीं? बैठ जाओ,
आ गई ना हमारी बंसी की डोर से खींचकर। आखिर हम भी कोई चीज हैं, बोलो मानती हो? मानते हैं, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। थोड़े दिन अभी बंसी बजा के हमें परेशान मत करो ना। तुलसी के ब्याह का कितना काम है हमारे सर पे, है ना? काम तो है, और वो कहा है ये भी हम जानते हैं। हंसी ठट्टा और नाचना गाना, बस। नाच गाना भी तो ब्याह का काम होता है। हमारी बहन के ब्याह में हम नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा? तब तो हम जरूर आएंगे तुम्हारा नाच देखने। खबरदार जाए तो हम औरतन के बीच तुम्हारा का काम। अरे वाह, बहुत होशियार हो। उस दिन जो तुम्हारे खातिर हम थोड़ी देर के लिए लड़की बने थे, वैसे ही साड़ी पहन के आ जाएंगे। अरे कहाँ गई? ठीक है, लड़की तो नहीं बनेंगे, पर जापे इकी मात्रा जी, जापे आका डंडा जा, आदर के साथ बोलो जी जा जी। मोरे जीजा जी जग में सबसे निराले, मोरे जीजा जी जग में सबसे निराले। जितने मोटे 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 उतने ही छोटे मोटे छोटे। रामा रामा जी जी खा खा खा। मोरे जीजा जी जग में सबसे निराले, अरे जीजा जी जग में सबसे निराले। जी
बंसी बजा के हमें बुला रहा है, हम नहीं जा सकते, नाच रहे ना, उसे कह दो हमें परेशान मत करे। चली जाओ ना हमारी अच्छी बहन। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। जाओ ना हमारी प्यारी बहन, उसे कह दो हम नहीं आ सकते, हम गला छोड़ के आए, देखो हम जा रहे हैं। गोपाल गणेश का भाई है, क्यों ना जाके हम अपने मन की विपदा उसे बता दें, शायद वही हमारी बिगड़ी बात बना दे। बहुत देर कर दी तुलसी, पहले ही बता देती, अब कैसे क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। ब्याह वाली लड़की को इतनी रात के इस तरह बाहर भी तो नहीं आना चाहिए ना, किसने देख लिया तो। हम क्या करें, हम बहुत मजबूर थे, हम तुम्हारे पास पड़ते हैं गोपाल, हमें इस मुसीबत से बचा लो। अच्छा ठीक है, देखो तुम फिक्र मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम्हें घर छोड़ा, चलो। वारी किस्मत वाली, शादी से पहले ही ना ससुरवा लेगी। मंजरी है तो क्या वो तुलसी थी? अरे गोपाल, कभी मंजरी तो कभी तुलसी। तो घोड़ी पर एक सवार, हाय रे हमरे मूरत सिंह, तुम्हारा क्या होगा? ठाकुर बाकी पैसों का क्या हुआ, हमें तो निमचन हराम है। फिकर मत करो चाचा, सामान से लदा हुआ ट्रक बस आया ही समझो। आजकल आजकल करते ये दिन आ गए, बारात आने में सिर्फ दो दिन रह गए। अरे लाला सामान और रुपया लेने ही तो शहर गया है, बारात के आने से पहले पहले हम सारा सामान खुद मंडप में लगवा देंगे, हम पे भरोसा रखो चाचा। जाओ अभी सो जाओ, चले जाओगे या लालटेन वाले को भेजूं? अरे लल्लू। ना ना ठाकुर, हम चले जाएंगे, क्या करें भैया, लड़की वाले हैं ना, फिक्र हो ही जाती है। चिंता मत करो चाचा। उड़े, तेरा ऐसा जलूस निकालूंगा कि तेरी बेटियां दर बदर की हो जाएंगी और तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अरे बाबू इतने परेशान क्या लग रहे हो, हंसो हंसो। अरे भैया, अरे मंत्रा तू खड़ी खड़ी लाला जी के पास चली जा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, ठाकुर मूरत सिंह का ट्रक रास्ते में है, आता ही होगा। सुनो ये मेरी इज्जत का सवाल है। बारात आ गई, बारात आ गई, अब क्या होगा, चलो 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 भैया। ठीक है ठीक है, इसे भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे तुम तो डालो। हाँ आई आई आई। अरे बिना पूछे ही सारे चले गए।
ये भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरा मतलब था ठाकुर साहब कि वो जरा जो बोलिए। हाँ तो समधी जी, पहले जरा व्यवहार की बात हो जाए। जरा रुकिए समधी जी, ठाकुर मुरत सिंह और लाला जी रुपया और दहेज का सामान लेकर आई। यानी रुपया तो रुपया, दहेज भी गुल? नहीं, ऐसा मत समझो, इत्मीनान रखो। देखो जी, हम साफ आदमी हैं, हमसे चलाकी वलाकी नहीं चलेगी। हाँ लाला जी और ठाकुर साहब भी आ गए। नमस्कार जी। देवी चाचा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, रुपया और दहेज का इंतजाम ना हो सका। क्या हुआ ये कि हम बताई हैं सरकार, हम बताई हैं, हम शहर से अपने भतीजा को ट्रक में सामान लदवा के भेजे रहे और साथ में रोकड़ा पैसा भेजे रहे। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सामान स्वाहा भस्म हो गया और हमारा भतीजा मर गया। अब ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, आपका स्टैंप पेपर वापस ले लो, हमारा 10,000 रुपया हमें दे दो अभी। कहते हो ठाकुर साहब, मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी से मत खेलो। अरे खेल तो तुम रहे हो हमारी इज्जत से देवीलाल, हम सब जान गए हैं, ये तुम सबकी मिली भगत है, फरेब है। नहीं नहीं, ये फरेब नहीं है। अरे बनो मत, रहने दो, ना दहेज ना रुपया। तुम समझते हो तुम रोध होकर और अपनी बेटी की दुहाई देकर हमसे दया की भीख ले लोगे? हरगिज नहीं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये शादी कभी नहीं होगी। चाचा हमें तो जाना है, हमारा 10,000 रुपया दे दो। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जैसा भिखारी मेरा समधी नहीं बन सकता। अब आपको कैसे समझाएं, ये फरेब नहीं है। अरे मेरी सारी जायदाद मैंने इस ठाकुर और लाला के पास बेच दी है। बोलो ठाकुर, बोलो लाला, बोलो ठाकुर। अरे बंद करो ये नौटंकी, तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा खूब मजाक उड़ाया है, ये शादी हरगिज नहीं होगी। उठो बेटे, चलो बुला दियो, ये बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं समझी जी, बारात वापस मत ले जाएंगे, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमारी इज्जत आपके पैरों में रखते हैं, उसकी लाज रखते हैं। तेरे इस कपड़े के टुकड़े की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं। अरे 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 ठाकुर साहब, लाला जी कहाँ चले, अभी तो फेरे पड़ने बाकी हैं, मिठाइयाँ बटनी बाकी हैं। अपनी इज्जत दूसरे के पैरों में नहीं रखते देवी चाचा, ये नीच इज्जत का नहीं दौलत का भूखा है, दौलत का। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमारी ये वर्दी देखकर तुम अच्छी तरह पहचान गए होगे कि हम हैं इस देश के सिपाही जो दुश्मनों से देश की सरहद पर रक्षा करते हैं, और देश के अंदर जब तुम जैसे गद्दारों से निपटने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है तब हम हमेशा तैयार रहते हैं। बेटा ये क्या कहते हो, ये तो शहर के बहुत बड़े इज्जतदार आदमी है। ये इज्जतदार नहीं, इज्जत का नकाब चढ़ाए देश के अंदर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्हीं लोगों ने अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला बना दिया है। क्यों हम पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो, हमने क्या किया है? किसी के घर की इज्जत सरेआम उछाल कर पूछते हो हमने क्या किया? ऐसा मत करो, ये हमारे समझी है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे का ठाकरों के घर में जन्म लेके गिड़गड़ाते हो देवी चाचा, ये प्राय बेटियों का धन लूटने वाले लोभी कायर को संबंधी कहकर ठाकुर जाति को कलंक लगाते हो। इन्हीं हथियारों के कारण आज देश की कई भोली भाली लड़कियां फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती हैं, और तुम इन्हें संबंधी कहते हो? अरे संबंधी तो उसे कहते हैं जो आधे दुख का दावेदार होता है। जोशीली बातों से कुछ नहीं होता बेटा, जिसके घर बेटी हो वही दुख जानता है। बिना ब्याह अगर ये मंडप उखड़ गया तो मेरी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। हम रखेंगे इस मंडप की लाज। क्या कहते हो बेटा? अगर आप आज्ञा दें तो। ये कोई फौजी है या दादा? अरे गांव वालों, 100 बार देवी लाल ने नाक रगड़ी तो हम बारात लेकर आए, अब देख लो लड़के वालों की क्या इज्जत हो रही है। ठाकुर साहब, लाला जी। हाँ जी। आपने इन लोगों से 400 बीसी करके एक कागज पर सियाही लगवाई थी। हाँ। वो कागज जरा वो हम लाए हैं, घर से लाए हैं, लाए। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत हो गया। देखो गोपाल,
तुम सारे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत अगर मिट्टी में मिल जाएगी तो फिर मिट्टी की इज्जत का क्या होगा? अरे भैया गुना गया। अरे देख लिया देवीलाल, आज वही लोग तुम्हारा मान रख रहे हैं जिनको तुमने कभी ठुकराया था। तुम सच कहती हो बजनी जोगन, आज इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी। बेटा हमें माफ कर। अरे ये क्या करते हैं आप तो हमारे पिता समान हैं, पैर तो हम छुएंगे आपके। अरे भाग चलो बरातियों, कहीं जूते ना पड़े, भागो भागो। अरे रुको रुको रुको, जाते ना हो, अभी तो तुम्हारा स्वागत होना बाकी है भैया। स्वागत बाद में करना, पहले वो मंगनी वाले गहने तो लाके दो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए यार मोहन भैया, अरे इनको मंगनी वाले जेवर पहनाई तो चलो। ये क्या बिठा दो सवारी, अपने ही हो गए पराए। अरे क्या कर रहे हो? अरे दहेज लेने वालों का मुंह यू काला गलूटा ही हुआ करता है। दहेज तो तुमने मांगा था, फिर मेरा मुंह यू काला करवाया। अरे दहेज मांगने वाले बाप के बेटे का भी यही हाल होता है। अपनी फटपटिया तो लेते जाओ। अरे बापू, दुल्हनिया ना तो ना सही, फटपटिया तो दे रहा है। और उस फटपटिया में ना ही तेल पड़ता है, ना ही वो पंचर होती है, और ना ही उसमें जैक लगाना पड़ता है। अरे पर वो है कहाँ? यही है, आओ दिखा दे। अरे लोगों दहेज मत मांगना, दहेज मांगने वालों का मुंह काला। तूने हमारी बिरादरी में मेरा सर नीचा किया है। अगर मैंने दोनों खानदानों को मटिया मेट ना कर दिया तो मेरा नाम का गोल मोरत जाएंगे। तुम यहीं ठहरो, हम माँ को ले आते हैं। अच्छा। अरे 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 माँ, तू यहाँ तुलसी की सेवा कर रही है? वहाँ तुलसी द्वार पे खड़ी है तेरी सेवा करने के लिए। चल 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 चल। अरे तू क्या कह रहा है पगले? ओहो छोड़ छोड़ छोड़, चल 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 आजा। अरे तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? एका, अरे हम सपना तो नहीं देख रहे? गोपो जल्दी से चुटकी काट तो आए। तुम्हें भी शहर की हवा लग गई, हमें खबर तक नहीं की। ये कैसी शादी है, न बैंड न बाजा न रिश्तेदार। अरे माँ हमारी शादी में बजा लेना ना बैंड। अरे भैया की शादी हम कराएं हम। तुम कौन चौधरी हो? चौधरी? अरे इसकी शादी तो कहीं और जमी थी, कहीं तुम जोश में इसे उठा तो नहीं लाए? बोलो, हम देवी ठाकुर को काम हो दिखाएंगे। अरे माँ हम का ऐसे हैं, उन्होंने तो अपने हाथ से कन्यादान किया है। अरे सीता स्वयंवर हुआ है, सीता स्वयंवर। अब तो क्या ऐसे ही देखती रहेगी? अरे बहू को अंदर बताओ ना। अरे हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा तुम लोग यही रुको, हम अभी आते हैं। अरे अरे इसको क्या हो गया? अरे हाँ वो कुछ शगुन वगुन करने गई होगी, हम भी उसको मदद करके आते हैं। अच्छा हमारी तो ये उम्मीद थी, हम गणेश की शादी में ये करेंगे वो करेंगे, अब हम क्या करें हमारी कुछ समझ में नहीं आता। अरे हमसे पूछ तो लिया होता। तुमसे पूछते तो हो चुकी थी शादी। क्या? अरे कुछ नहीं, तू बड़बड़ मत कर, सबसे पहले ये बता कि हमारी बहू जी कैसी लगी? तू कौन हो तारे पूछने वाला? हमारी मनपसंद बहू घर आ गई और हम मंगल गीत भी नहीं गा सके। यही बात पर तो हम बड़बड़ा रहे हैं। तू लता मंगेशकर है क्या मंगल गीत गाने को? ये कौन है रे? अरे तू पहले उसको पूजा उजा कुछ। अरे हम क्या करें मिठाई? अरे ये है ना ये अरे आजकल रेडीमेड का जमाना है, पानी वार दे। अभी चल क्या करें? अरे जा तो रहे हैं बाबा। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे हमने तो मंगल गीत भी नहीं गाए। अरे बाकी क्या मंगल गीत मेरी शादी में गा लेना, पहले दूल्हा दुल्हन को अंदर आने दो, उनके पैर थक जाएंगे। चलो चल ना, चुप करना। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। आओ बेटा। जिस दिन पहली बार तुम्हें हमने मंदिर में देखा था ना,
उसी दिन से हम तुम्हारे हो गए थे। छुट्टी पर से जब हम वापस जा रहे थे तो तुम्हें मिलने के लिए मंदिर के बहुत चक्कर काटे, तुम मिली नहीं। तुलसी, हम मन मार कर व्याकुल से वापस चले गए। वो तो भला हो गोपाल का जिसने बिगड़ी बात बना दी और दो दिलों को मिला दिया। तुम्हारी ये गहरी गहरी आंखें, शीतल चंद्रमा की चांदनी जैसी लहराती हुई झील, जी करता है हमेशा के लिए इनमें डूब जाऊं। अरे भैया, आंखों में डूबे रहोगे क्या, आगे भी बढ़ोगे? अरे भाग यहां से, बड़ा शरारती है। हमारा ये मिलन परमात्मा का आशीर्वाद है। आओ सदा के लिए तन मन और आत्मा से एक हो जाए। अरे मेरे भोरे भाले भैया, कम से कम बत्ती तो बंद करो, अब जाना यहां से। अब तो बत्ती भी बंद है। भगवान, हमें माफी दे दो, हम अज्ञानी हैं, तुम हमें नहीं भूले, हम तुम्हें भूल गए। तुलसी, पूजा पाठ तो हम नहीं जानते, पर जिसे भगवान ने तुम जैसी पवित्र बीवी दी हो उसे और क्या चाहिए हा? अरे क्या करो, भगवान देख रहे हैं। तो कहा हम चोरी किए हैं? अच्छा माता ठीक, चलो जी, क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, हम करते हैं। ये तो हमारा काम है। नहीं, हमारे होते आप काम करें, हमें एकदम अच्छा नहीं लगता। चलिए। अरे बिटिया, नहीं, ये तो हमारी आदत है। कहा ना, खाली नहीं बैठ सकते। चलिए उठिए, उठिए ना। ओहो, भगवान, संभल के। अच्छा भाई, आप यहाँ आराम से बैठिए। ले बैठ गई, अब तो खुश हुई। भगवान तुझे अखंड सौभाग्य दे। अरे भौजी, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और काम शुरू कर दिया। ए माँ, तुम ललिता पावर की तरह सास बन के बैठी हो। अरे तो हम क्या करें, तुम्हारी भौजी ने हमें जबरदस्ती बिठा दिया है। ठीक ही तो किए हैं। अरे क्या खाक ठीक किए, रानी बना के लाए तुमको हम, और पूरे गाँव में तुम हमारी नाक कटवा करोगे। लाओ इधर, तुम काम करोगे तो नाक तुम्हारी नहीं हमारी कटेगी, लाओ छोड़ो। अरे अरे देखो ना माँ, भौजी काम नहीं करने दे रहे। अरे तो हम क्या जाने, तुम ही लाए हो, तुम जानो। जाने का तुम इधर पहले। देखो देखो, काम का झगड़ा शोभा नहीं देता, ऐसा करते हैं कि काम का बंटवारा किए देते हैं। हाँ ठीक है, बंटवारा कर देते हैं, माँ के पास बैठे फिर बंटवारा कर देते हैं। तुम छोड़ो, तुम पहले उठो। अच्छा, उठो, 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 उठो। अच्छा बाबा, यहाँ बैठो। अब बोलो। अच्छा ये बताओ, पहले तुम कौन कौन सा काम किया करते थे? देखो भैया, ड्यूटी पर, माँ बुढ़ी बीमार, और सगरे काम तो हम ही करते हैं। झूठा बहू, का हम बूढ़ी हैं? नहीं नहीं, तुम तो 16 बरस की कन्या हो। डिंग 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 डिंग। देखो भौजी, हम पानी हम भरे हैं, आटा चक्की हम करे हैं, पशु को चारा हम दिए हैं, और खेत खलिहान भी हम ही देखे हैं, और ये खाली झाड़ू लगा देती है और मट्टी लगा देती है। चुप, अब खाना बनाकर कौन खिलाता है, तुम्हारा ससुर? देख माँ, झगड़ा नहीं करना। अरे भाई, किस बात का झगड़ा है, हम भी तो सुने। अरे बेटा, झगड़ा वगड़ा कोई नहीं है, भगवान हमें ऐसी बहू दिए हैं कि खुशियों की बहार आ गई। अरे बाहर आ गई तो फिर अंदर का है, बैठी हो, बाहर चलो, और ये वक्त काम का झगड़े का नहीं, खुशियां मनाने का है। चलो। We'll be right back.
मेरे फौजी रे हो, भैया मेरे फौजी रे, तो है फौज में रहना था, हो तो है फौज में रहना था, तो काहे लाया फौजी रे, तो काहे लाया फौजी रे, तू है मन माजी रे हो, तू है मन माजी रे, तो है सीधा करने को, तो है सीधा करने को, मैं लाया तेरी भौजी रे, मैं लाया तेरी भौजी रे, नहीं खाओगे तो दूध कहां से दोगे? अच्छा नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है हल कहां से चलाओगे? हैं, खाते ही नहीं है, बैलों में गधे हो गए, कमाल है। ए गोपू, कब तक दाना पानी में भिड़ा रहेगा?
घर कब चलेगा? अरे घर कैसे चलेंगे, अभी तो सूरज चार बार ऊपर है। अरे अभी तो तीन ही बजे हैं। हाँ तो क्या रात हो गई? हम तो यही सोचे थे। तुम तो सोचोगे? हाँ। अब क्या है, तुम्हारी खातिर अगर भगवान चार घड़ी का दिन और बीस घंटे की रात बना दे तो मजा आ जाएगा तुमको। चल बे शैतान। शैतान? रात को बताएंगे शैतान क्या होता है। अरे बहू, हमने तो अपने बेटों से भी कभी पैर नहीं दबवाए, तुमसे कैसे दबवा सकते हैं? माँ जी, ना तो हम आपके बेटे हैं और ना ही बहू, हम तो आपकी बिटिया बन के आए हैं। अरे बिटिया को तो हम भगवती मानते हैं। जाओ सो जाओ। अरे मम्मा, अरे बेटी तो बेटी होती है। भाऊजी तुम दबाओ और सुनो एक अच्छी खासी कहानी भी सुनाओ। मासो की कहा? अच्छे भले सो रहे थे, जगा दिया। नहीं ठीक है, सोचो सोचो। सो गई काम। अरे अरे मैं तो दूध नहीं पीना है, दूध जा। मत नहीं हूँ मारती क्यों? सोने भी नहीं देता चैन से। भौजी, ए भौजी, तुम पैर दबाओ, हम जाते हैं। नहीं हम दबाते हैं, तुम जाओ। जाओ। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम। सो गई माँ? ऐसा काहे सताती हो, कल तो हम ड्यूटी पे वापस चले ही जाएंगे। का कल ही चले जाएंगे? कुछ दिन और नहीं ठहर सकते का? जी तो हमारा भी नहीं करता जाने को, पर का करें, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना, है ना तुलसी? ड्यूटी पर जाने के लिए तो हम भी मना नहीं कर सकते तुलसी। हमारी फिक्र नहीं करना, अपना धर्म अच्छे से पूरा करना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ये ताबीज भजनी मौसी ने दी है, इसे पहन लेना। हाँ तुम ही पहना दो ना अपने पवित्र हाथों से। भैया सामान टांग आंग 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 आंग। हमने कुछ नहीं देखा, जो चल रहा है चलने दो, बस थोड़ा जल्दी करना क्योंकि सामान टांगे में पहुंच चुका और टांगा जाने को तैयार है। माँ भी आ गई। गणेश देख थोड़ा सा गुड़ और सत्तू हमने रख दिया है। हाँ। बेटा भूख लगे तो खा लेना। हाँ, खा लेना, भूखे नहीं रहना। हाँ? बिल्कुल मत रहना और यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे, भौजी की सेवा करेंगे। बस तुम अपना डिशम 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 चालू रखना, नाव से जाना है। अच्छा माँ, अच्छा भौजी, हम जाते। अच्छा माँ। लो दूध भी तुम दो लाई बहू। अरे तुम तो इसे निकम्मा कर दोगी, देखो। अरे रोज सवेरे उठकर मुंह अंधेरे ये सारे काम कर लेता था और अब सूरज सर पर चढ़ाया, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। लाओ अब तुम ही जगाओ इसे। मंजरी, गोपाल, ए गोपाल, गोपाल उठो, देखो कितना दिन चढ़ाया है। अरे उठो ना, देखो कितना सूरज चढ़ाया है। कितना अच्छा सपना देख रहे थे। हमें मालूम है तुम का सपना देख रहे थे। बस तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा का सपना देख रहे थे? बता दे तो। नहीं बता पाओगी। तुम मंजरी का सपना देख रहे थे? मंजरी? अरे भौजी तुमने कैसे जान लिया? अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है, तुम ही नींद में मंजरी का नाम बड़बड़ा रहे थे। अरे बाप रे बाप,
नींद में बड़बड़ा रहे थे। माँ ने तो नहीं सुना ना? अरे सुना तो क्या हुआ, हम तुम्हारा ब्याह मंजरी के साथ करा देंगे। सच बोली? तुम्हारा एहसान है रे हम पर, तुमने हमें मनचाहा वर दिलाया, तो क्या हम तुम्हें मनचाही दुल्हनिया नहीं दिला सकते? अरे बहू जी तुम तो एकदम बढ़िया हो। अब वो क्या कहते अंग्रेजी मैम, थैंकू। अरे तुलसी खा गए ना धोखा तुम भी बाबू? हम तुलसी नहीं, मंजरी है, मंजरी जा रहे हैं तुलसी के घर। अच्छा अच्छा, उसे मेरा प्यार देना बेटा। ठीक है, लगता है कोई नई शरारत सूझी है। ठीक है ठीक है, शाबाश, आओ उतरो। अरे भौजी सुनो, सत्र घुमा लेना उसको। अरे भौजी तुम काहे आई यहाँ? तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, चल बैठ। पर तुम काहे खाना ले आई, रोज तो हम खाने घर आते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन तुमसे आज खास बात करनी थी। हाँ बोलो, कहा है? बाबू के पास गए थे बात करने। हाँ। तुम्हारी और मंजरी की। सच? तो फिर? वो कहते हैं दोनों बहनें एक घर में नहीं रह सकती। तो का पहले तुम और मंजरी अलग अलग रहती थी? नहीं तो, दोनों एक साथ ही रहती थी ना। तो फिर अब क्या हुआ? बड़ी बहन जेठानी, छोटी देवरानी, यही तो झगड़े की जड़ है गोपू। भौजी तुम ठीक कहती हो, ये ब्याह नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मंजरी है ही बड़ी खराब, बिना बात के तो वैसे ही झगड़ा करती रहती है, शादी के बाद शायद बंटवारा ही करवा दे। पर अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे बापू ने ना कर दी, कम से कम वो लड़क भुरभुरी हमें तो दोष नहीं देगी। हमारी बड़ी बहन से बात करते शर्म नहीं आती तुम्हें? और हमें उल्लू बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्लू तू, उल्लू तू, उल्लू तू, तू। पापू, पापू, हम तो ये बताने आए थे कि बाबू ने ब्याह के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे बापू इस उम्र में क्यों ब्याह कर रहे? तुम तो कुछ नहीं समझते, हमारी बहन यानी तुम्हारी भौजी ने हम दोनों की बात बाबू से कर ली है और उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने हाँ कर दी तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हाँ, उन्होंने हाँ कर दी। हाँ। अरे मंजरी। हाँ। सच सच्ची। अरे मंजरी। लगा ले तब आएगा करार, तुहे सीने से लगा ले तब आएगा करार। बिंदिया बिंदिया
पतझर की रुत आए, चाहे फूलों का मौसम हो। सुन मेरे साथी, होठों पे अपने प्यार भरी सरगम हो। तू वो महुआ न जिसके नशे का उतार, तू वो महुआ न जिसके नशे का उतार। थोड़ी बिंदिया निंदिया उड़ाए रे हमार, तोहे सीने से लगा ले तब आएगा करार। ओ जन्म जन्म का तुम संग नाता रे सूरते लेकर आए हो, तुम्हारे गले में हार डाले या मुंह मीठा करवा ले हैं? ठाकुर साहब गुस्सा थूक गई हो, गरम गरम खाई हो तो जीभ तो जल जाई है ना। अरे बकता नहीं हूँ, समझाता हूँ। ये हमारी मंथरा बाई गुलबदन कब काम आई हो? जब काम में लाई हो तो ताली बज जाई हो। और गुलबदन आवा। ए ठाकुर जी, जितने हम जमीन के ऊपर है ना, उतने ही नीचे भी है। मंजरी को तुम्हारे कदमों में लाकर नहीं पटकाना तो हमारा नाम भी मंत्रा नहीं। कसम से हम तुझे सोने से तोल देंगे। ये लाली दे ताली, सोने से लज जाई हो तो हमको ना भूल जाई हो। आजा आजा मंत्रा, आजा। बहुत दिनों के बाद आई, कहाँ चली गई थी? ले। अच्छा किया जो बहुरिया को आते ही काम पर लगा दिया। बैल के नाक में नकेल हो तभी वत में रहता, इसीलिए तो इतनी ठाट से झूला झूल रही हो। हमें तो हमारी बहू रानी ने झूले पर बिठाया है। सब नई बहुएं ऐसा ही जादू चलाती हैं। जब पति को मुट्ठी में ले लेगी तो तुम और तुम्हारा झूला पशु के तबेले में नजर आएगा। हाँ, तेरी माँ ने तेरा नाम मंथरा ठीक ही रखा है। त्रेता युग की मंथरा ने राम को बनवास दिलाया और तू कलयुग की मंथरा हमारा घर फोड़ने को आ मरी। गाली देती है मुझे? अरे रहने रहने, गांव गांव की धूल चाटती फिरे भाग यहाँ से। लो फोन करते ही हाथ जल गए, मुझे क्या रोना बाद में। अरे पंखा कहाँ ले मरी, रख जा। ले रख अपना पंखा, अचार डाल ले, मुझे क्या करना है। अरे जा। अरे माँ, कोई काम ही नहीं। ही का नौटंकी चल रही है, चल तू ये ले, जलेबी खा। जलेबी खा, जलेबी। पहले तुम। नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत खाई महेश्वर में। हमारे सामने तो नहीं खाई ना, चलो खाओ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, हमने बहूजी की उंगली काटी। अरे बहूजी, तुम्हारी उंगली तो इस जलेबी से भी मीठी है, मिश्री है मिश्री। अरे भौजी मिश्री और तुम मिश्री का चींटा। तुम्हारी मीठी जलेबी खूब रस टपका रही है अपने देवर पर। ठाकुर साहब, इस साल कपास की फसल बहुत कम हुई है और हम किसान लोगों को ब्याना देकर
खड़ी फसल खरीद लिए हैं। अरे लाला, तुमको कितनी बार कहा कपास व बिनोले तुम संभालो, हम तो संभालेंगे रेशम के लच्छे। अरे जियो रंगीला जियो। आहा बड़ा दुख है। तेरी आवाज से तो जरूरी सूचना सुनिए, पड़ोसी मुल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और सरहद पर घमासान लड़ाई हो रही है। लाला, चांदी झाड़ने का समय आ गया। किसान और गांव वालों को बयाने की रकम से एक पैसा ऊपर मत देना। बजा दो सालों की ताली। बजा गई है ताली, ला ताली। हाथ गंदा है। हे भगवान, हमारे सुहाग की रक्षा करना। उसके बाद सवा नौ महीने में घर में एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे, सुखी जीवन का आधार छोटा परिवार। अरे चुप, इस घर में अभी तक एक भी नहीं हुआ। लेकिन ये बात सही करता है, तो या तीन बच्चे घर में होते हैं अच्छे, अपने भी और पड़ोसियों के भी। अरे भौजी, आज बहुत सज्जत रही हो और तुम तो आज इतनी चमक रही हो, इतनी चमक रही हो जैसे अब क्या कहें, भौजी हो ना, सजावट का बखान भी तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कर लो बखान, हम तुम्हारा मुंह थोड़ा ना पकड़े। फिल्म की हीरोइन तो नहीं, गोरा पार्वती लग रही हो। बहुत मक्खन लगा रहे हो भौजी को, बात का है? कुछ नहीं, ऐसे ही। हम समझते हैं तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे भैया के आते ही तुम्हारा और मंजरी का ब्याह करा देंगे बस। भौजी, अरे डाकिया बाबू, गोपाल बाबू तार आया है। दस्तखत कर दो। कहाँ करना है? ए ले आओ। अरे गोपाल, क्या हुआ? अरे बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे बताना हुआ का? बोल। हाँ भैया। हाँ, अरे बता, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। भौजी। हाँ भौजी। भैया भैया बता, हमारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे भौजी, छोड़ के चले गए। गोपाल खबरदार, हम तुम्हारा हर मजाक सह लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे इतना बड़ा मजाक करो। हम मजाक नहीं कर रहे भौजी, हम सच कह रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। देखो झूठे हो तुम, झूठे।
हम तुम्हारे जज्बात को समझते हैं। नहीं 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 गोपाल, भगवान भगवान हमसे इतना बड़ा न्याय नहीं कर सकते, इतना बड़ा न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाजी जो सुहाग हमें तुम्हारे आशीर्वाद से मिला है वो तुम हमसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। धीरज धरो गोपाल, भगवान की मर्जी के आगे इंसान की कुछ नहीं चलती भैया, अच्छे लोगों की उसको भी जरूरत होती है। भगवान जाने काहे हमारी गौ जैसी तुलसी पर ये पहाड़ टूट पड़ा। ए भगवान ये क्या हो गया? देखती क्या हो, पोछो सिंदूर फोड़ दो चूड़ियां। अब ये सुहागन नहीं विधवा है, विधवा। नहीं नहीं हम सुहागन हैं, वो जिंदा है। माँ जी इनसे कह दो कि इस तरह की शुभ बात ना करें। आए हाय, अरे रीति रिवाज तो करनी ही पड़ेगी ना, सोचती क्या हो, फोड़ दो चूड़ियां। नहीं, हमने कभी नहीं चूड़ियां। आप लोग हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? हमारा दिल कहता है वो जिंदा है, हम नहीं तोड़ेंगे अपनी चूड़ियां। हमारा दिल कहता है वो जिंदा है, वो जरूर आएंगे। नहीं तोड़ेंगे। आए हाय नहीं फोड़ेंगे। अरे हम तेरे हाथ जोड़ दे, तू जा यहाँ से, इस समय मत कर तो हाथ से जा। बहू धीरज रखो बहू, तू जैसा कहेंगे ऐसे करेंगे, तू जैसा कहेंगे ऐसे करेंगे। रो मत बिटिया, खाओ खाओ लड्डू खाओ, खूब खाओ, थाली को कर दो खाली, फौजी की बज गई ताली, थाली को कर दो खाली, फौजी की बज गई ताली। क्या कर रहे हो? मर तो तुम लोग भी जाओगे एक दिन। अरे हंसना तो दुश्मन की मौत पर भी नहीं चाहिए, और तुम लोग एक बहादुर देशभक्त की मौत पर खुशियां मना रहे हो, कितने दुष्ट और दुराचारी हो। बनकर भाषण हंस लो पापियों, जी भर के हंस लो। जब तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा तो अपने आप फूट जाएगा। जब रावण जैसे दैत्य इस धरती पर नहीं है तो तुम क्या रहोगे? एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे और कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। तुम्हारा ये दुख हमसे नहीं देखा जाता। तुम भी उल्टी सीधी बात करने लगे हमसे, कौन कहता हम दुखी हैं? हमें पूरा विश्वास है वो जिंदा है और जरूर वापस आएंगे। तुम धन हो तुलसी बिटिया, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हुए। तुम्हारा विश्वास अटल है, हमारा भी यही विश्वास है कि भगवान तुम्हारा सुहाग कभी नहीं मिटा सकता। दुनिया हमारी दुश्मन बन बैठी है मौसी, अब धीरज नहीं रहा, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है मौसी। नहीं बिटिया नहीं, अगर भगवान को तुम्हारा सुहाग मिटाना होता तो तुम्हें सुहाग बनाता ही क्यों? बिटिया दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपना विश्वास मत त्यागना। उसी विश्वास पर तो जिंदा है मौसी, नहीं तो कब के मर गए होते। ना जाने भगवान हमारी ऐसी कठिन परीक्षा काहे ले रहा, काहे ले रहा मौसी। बिटिया धीरज रखो बिटिया, इसमें हिम्मत होती है, भगवान भी उसकी मदद करता है गोपू। फिर
घर बार माँ भौजी इन सबकी जिम्मेदारी है तुम पर। हम जिम्मेदारी से नहीं डरते मंजरी, दुख तो सिर्फ इसी बात का है कि भौजी अपने ऊपर धोखे की चादर उड़े हुए है। हमेशा हमसे कहती है कि वो जरूर आएंगे और फिर ना हमसे रोते बनता है और ना दुख सहते। तुम्हारा दुख सहने के लिए हम जो है गोपू, हमारी बहन को तो तुम ही संभाल सकते हो ना, वो तुम्हें बहुत मानती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो घुट घुट कर जान दे दे। नहीं 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 मंजरी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भौजी को दुख से जरूर बाहर निकालेंगे। हाथ काहे कांप उठा तुलसी, ये आंखों में आंसू का है। अगर विश्वास नहीं है तो पोछ दे ये टीका, मत भर मांगने सिंदूर, तोड़ दे ये चूड़ियां। और अगर वो जिंदा है तो फिर ये उदासी का है। जैसे एक सुहागन खुशी में झूमती है वैसे ही हंसो। हाँ हमें पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहन जी, हम तुलसी को लिवाने आए हैं, थोड़े दिन पियर में रह लेगी तो उसका मन बहल जाएगा। नहीं बाबू, जब तक वो लौट कर नहीं आ जाते हम नहीं जाएंगे। ना जाने वो किस घड़ी लौट आए, हमें पुकार बैठे। अरे एका बाबू, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, इस तरह रो रो कर हमारे घर में अमंगल मत करो। माँ जी के मन में विश्वास जागे, ऐसे वचन बोलो, चुप बोलो। अरे गोपाल तू आ गया, देखना ये लोग कैसे उदास बैठे हैं। ऐसा कर तू बंसी बजा, हम तेरी बंसी लेके आते हैं। अच्छा देखो ये दशा हो गई है, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। ये लो, अरे लो ना बजाओ। कितने दिन हो गए तुमने सांगन में बंसी नहीं बजाई, और शायद तुम्हारी बंसी की आवाज सुनकर ही वो आ जाए, है ना? हाँ हाँ भौजी, हाँ हम बंसी बजाएंगे भौजी।
हमने तो भौजी तुमको ही देवी जाना हो, हमने तो भौजी तुमको ही देवी जाना, तुम्हारी सेवा तुम्हारी पूजा में अब जन्म बिताना, तुम्हारी सेवा तुम्हारी पूजा में अब जन्म बिताना, मुरझाना जाए ये तुलसी मुरझाना जाए, घर मालिन आने तक मेरे भैया के आने तक ऐसे ही मुस्काए, ऐसे ही मुस्काए रे, ऐसे ही मुस्काए रे। मंथरा देवर भाभी दोनों मिलकर माखन मथ रहे, पता नहीं कौन से गुरु का गंडा बांधा है, दोनों हाथों से रस मलाई खा रहा, घर में तुलसी और बाहर मंजरी। बहुत देख लिया मंथरा मैंने तेरे को, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अकेले तुम क्या कर लोगे, कहां तुम पलने में पले मासूम और कहां वो जंगल का ठर्रा गोपाल। बकवास बंद कर सुखी सौट, तेरे भरोसे बैठे तो हम अपनी जवानी गवा बैठेंगे। ये सूखी सोटी काम आएगी ठाकुर जी, जब जंतर से काम ना चले तो मंत्र मारना चाहिए और वो मंत्र मंत्रा मार लाई है आज। हाँ मुद्दे की बात बोल, करना क्या है? अफवाह फैलानी है, अफवाह के गोपाल और तुलसी में यूं है यूं। अरे ये बात की तो तू तने फिकर ना करा, ये बात तो हम जंगल की आग की तरह फैला दी है गाँव में। बाप लेने आया पर गई नहीं, वो तो बिहा के पहले से ही दोनों खाते पीते थे। अरे हाँ मैंने तो कोई 36 बार देखा है, गोपाल ने शादी इसीलिए करवाई कि भाई तो फौज में रहेगा और खुद घर में मजे मारेगा। हाँ बेचारा गणेश कहीं इसी गम में तो नहीं मर गया। क्या समय आ गया है, जवान जहान घर वाले को मरे दो दिन भी नहीं बीते हैं। सुनने में आया है भैया कहना ना किसी से कि तुलसी रानी अपने देवरिया के हाथ रंगरलियां मना रही है, बज गई ना गांव की इज्जत की ताली। अरे राम, पर वो बूढ़ी आंखों पे पट्टी बांध के क्यों बैठी है आजी? अरे भाई आजकल जमाना ही बेशर्मों का है। हाँ। वो बुढ़िया खुद इन रंगरलियों का मजा ले रही है, कोई क्या कर सकता है। क्यों जी? घोर कलयुग है जी, कलयुग है। राम राम ठाकुर, राम राम ठाकुर, आइए आइए आइए, बैठिए या आइए। आइए कहिए देवी, तुम तुलसी को लेने गए थे, आई क्यों नहीं? पति के गम से भरी है बिचारी। छोड़ो ठाकुर, उस घर में गम किसे है, देवर भौजी को बंसी नहीं सुना था? बंसी सुना रहा था तो क्या हो गया? आजकल देवर भौजी की बंसी बजने की बात आम हो गई है, ना लाज है ना शर्म है, यूं है यूं। क्या बक रहे हो, खुल्लम खुल्ला इश्क चल रहा है, सारा गांव तू तू करे है, तुम लोग हमें बेइज्जत कर रहे हो। हाय हाय, अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है, देखो ना जब बेटियां बदचलन हो जाती हैं तो सब बापों की यही दशा होती है। हाँ मंत्रा, अरे हम तुम्हारे दुश्मन है का? अरे अब भी वक्त हाथ से नहीं गया, हमरी मानो तो गोपाल से तुलसी का ब्याह करा दो। ये क्या कहती हो, तुलसी ने हमेशा हमारा सर ऊंचा रखा है। अब भी सर ऊंचा रख सकोगे? नाली में मुंह मारने से तो अच्छा है साहूकारों की तरह लोक रीति का काम करो, शादी हो गई तो दोनों खानदानों की बिगड़ी इज्जत फिर बन जाएगी। ए, तू मानो जी खानदान की इज्जत बनाने बिगाड़ने वाली, हमारी तुलसी के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो जीप काट के फेंक दूंगी, समझी? चल उठ, उठ भाग यहां से। अरे हमें क्यों हड़काती हो, हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं जो मुंह पर आकर कह देते हैं
मगर इन गांव वालों का मुंह कैसे पकड़ोगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, निकल निकल यहाँ से। अरे सिवाय दूसरों का घर खोलने के और भी कोई काम है तेरा? खबरदार, जो इस घर में पैर रखा तो पैर तोड़ के रख देंगे हम। बाबू इजाइन झूठ बोलती है, तुलसी और गोपाल को हम जाते, वो ऐसे नहीं है। जानता हूँ, पर तुलसी और गोपाल की शादी हो जाए तो हर्जी क्या है? बाबू तुम कह रहे हो? उसकी दशा देखे हैं हम, आखिर पार जैसा जीवन वो काटेगी कैसे? बेटी तेरे साथ ब्याह करने को तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन तेरी विधवा बहन को कौन अपनाएगा? बाबू बेटी तुम्हें तुम्हारे प्यार का बलिदान देना होगा, तेरे बलिदान से तुलसी को नया जीवन मिल जाएगा बेटी, वरना ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। बेटी तुम्हें तुम्हारे प्यार का बलिदान देना, बलिदान बलिदान देना होगा, बलिदान बलिदान देना होगा, बलिदान बलिदान देना होगा। ये तो सरासर लांछन है, बेचारी ने पति के गम में सिंदूर नहीं मिटाया, चूड़ा नहीं फोड़ा। अरे वो चूड़ा क्यों फोड़ने लगी? उसका असली सुहाग गोपाल तो जिंदा है अभी। जो बच्चलन होती है दिखावा ज्यादा करती है, सुहागन बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकती है। अरे भरोसा ना हो तो जाकर देख लो तमाशा। ओ भौजी का कर रही हो? हम करते हैं। कर लेंगे हम। और कहाँ है? हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलती है, तो फिर आ गई यहाँ? हाँ हाँ हम आएंगे, हजार बार आएंगे। बेटे को मरे महीना नहीं हुआ और देवर भाभी को प्यार मोहब्बत का परमिट दे दिया। क्या बकती है कुटनी? झूठी, हम तो जन्म के झूठे हैं, पर इन गांव वालों का क्या करोगी जो छत पर खड़े तमाशा देख रहे हैं? हम तो कहते हैं दोनों का ब्याह करा दो, इसी में इज्जत है। हाँ। तू जाती है कि नहीं यहाँ से, वरना मुंह झुलस दूंगी तेरा। जाते हैं जाते हैं। गोपाल गोपाल नीचे आ। हाँ हाँ आया माँ। शर्म नहीं आती? हम बुला रहे और तुम वही जमे हो। अरे तुम बहुजी के साथ बतिया रहे थे ऊपर। अरे तुम्हें तो घर की इज्जत और मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। पर हुआ क्या, इतनी तनक कह रही हो? जवान बहुजी के साथ दिन भर छटोली करते रहते हो। अरे माँ और बेटे में भी पर्दा होता है। माँ बहू हम जानते हैं तुम इस तीरथ की तरह पवित्र हो, लेकिन लोगों का मुंह कैसे पकड़े? अरे हमारे तो नशे भी खराब है माँ जी। तभी तो हमारे हीरे जैसा बेटा हमें छोड़कर चला गया। वारा। सुना है आजकल देवर भौजी की बहुत छन रही है। का मतलब? अच्छा मतलब भी हमें ही समझाना पड़ेगा। अबे सारा गांव जानता है तुम दोनों हमने वाला बने हुए हो, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? आराम चाचा। ओ एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तेरी तो जानती मंजरी, ये हरामजादा हमारी भौजी के बारे में ना अफवाह बकरा था, हम इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। किस किस का मुंह बंद करोगे?
सारा गांव तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। तुम्हारे कारण हमारे बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम तुलसी से ब्याह कैसे कर लेते? मंजरी! उत्पाल, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। हाँ हाँ खत्म। हमारी भौजी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। सुना तूने? मंजरी, तुलसी, तुमने गोपाल से क्या कहा? तुम अपने अंतर मन से पूछो, तुम्हारी बहन इतनी गिरी हुई है का? नहीं नहीं तुलसी, नहीं नहीं का। तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कहो, हम तो पत्थर के बन गए हैं, जहर पी के बैठे हैं, पर गोपाल के मन को ठेस पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम तुम्हें कैसे समझाएं? हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं तुलसी, तुम्हारा सुख चैन और प्यार छीनकर हम सुखी हो जाएंगे का? तुम्हें भूलकर गोपाल सुखी हो जाएगा? तुम क्या समझती हो? हम अपने प्राणों से प्यारे सुहाग को मिटा दें, उनको भूल जाएं, जिनकी आस का दिया हम अपने मन में जलाएं, इस अभागे जीवन की टूटी डोर को थामे बैठे? देख मंजरी, एक बात याद रखना, जिस दिन भी हमारा सुहाग उजड़ गया ना, उस दिन तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। नहीं, नहीं तुलसी, ऐसा मत कहो। देख मंजरी, इन दुनिया वालों के बहकावे में कभी मत आना। इन्होंने तो सती सीता मैया को भी नहीं छोड़ा। बस तुलसी, बस हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। चुप हो जा, चुप हो जा। क्या बताऊं पंचो, इस बदमाश गोपाल और बच्चलन तुलसी के कारनामों की वजह से मेरे पुरखों के इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कल जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझ पे वार किया। वो तो मैं गांव की एकता को देखते हुए चुप रह गया, वरना मैं उसकी टांगें। झूठे कमीने, भगवान से डर, तुलसी जैसी सती पर कलंक लगाएगा तो जवान में कीड़े पड़ेंगे। सरपंच जी, तुलसी बच्चलन नहीं है, बच्चलन ये तीनों है, ये तीनों की मिली भगत है। सरपंच जी, मुझे तो ये ढोंगी जोगन भी बदमाश गोपाल और बच्चलन तुलसी के कुकर्मों की राजदा मालूम पड़ती है। भाइयों, ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक कहा था, एकदम ठीक कहा था कि ये सफेद पोश बुढ़िया वो बदमाशन से मिली है। देखा, हम तो पंचायत को परमिशन माने हैं, सरकार आप ही फैसला कर दी है, हुई हुई है, या दोनों की शादी हो जाए है या वो गांव से बाहर निकाल दी है। सारी पंचायत ने ये फैसला किया है कि गोपाल और तुलसी की शादी कर दी जाए, नहीं तो दोनों गांव छोड़कर चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सरपंच जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद। हां तो फिर देर किस बात की है, क्यों ना ये फैसला चल के उनके घर पे सुना दिया जाए। सरपंच जी, उठो उठो, सब उठो भाइयों। रुक जाओ दुष्टो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गाँव के पंच हो, कोई परमेश्वर नहीं, तुम लोग होते कौन हो किसी की किस्मत का फैसला करने वाले? हम तुम्हें हर किस नहीं जाने देंगे। अबे ओ गोपाल, बाहर निकल। बाहर निकालो, क्या बात है सरपंच जी? मत मानो हमारी सीट, तब तो कान में तेल डाले रही, अब पंचायत घर पर आ गई ना, संभालो। हम क्या अपराध किए हैं? अभी पता चल जाई है सरपंच जी, तनी सुना दे फैसला। तो इस पंचायत का यही फैसला रहा कि या तो ये दोनों आपस में शादी कर लें या गांव छोड़कर चले जाएं। सरपंच जी ठीक कहते हैं। ये झूठा जहर कौन फैलाए हैं? हमारी बहू तो गंगा से ज्यादा पवित्र है, और हमारे घराने को तो गांव वाले सब जानते हैं। हाय हाय, अपना पाप छुपाने को गंगा को काहे बदनाम करती हो? बाहर निकालो अपनी बहू को। हमें उससे बात करनी है, बाहर बुलाओ उसे। चलो जल्दी, क्या निकालो निकालो। साँच को कहाँ, हम अभी बहू को बुला लाते हैं। माला माल कर दूंगा, मामला संभाल लो। सरपंच जी, बहू तो क्यों नहीं मिली? आज कैसे मिली? हाँ,
घर में हुई हो तो मिली हो? वो तो बैठी है अपने यार गोपाल के साथ ताली। अरे सारा मामला साफ हो गया, सास बहू आपस में मिली रही, बहू को भगा दिया पीछे दरवाजे से। हाँ हम सारी पोल खोल ले, आज फैसला होकर आएगा। चलो भाइयों सारा गांव छान मारो। हे भगवान ये क्या कर रहे हो? हमारे जिंदा रहते किसकी मजाल है भौजी, तुम्हारे चरणों की स्वागत लेके इसको बिछा देंगे। पर सीता और लक्ष्मण के रिश्ते को बदनाम नहीं होने देंगे भौजी। तुम नहीं समझते, देखो देखो इस समाज के ठेकेदारों को। छोटो गोपाल नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा। छोटो जीना नहीं चाहते। नहीं भौजी नहीं, नहीं भौजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान देख लो, अपनी आंखों से देख लो, गांव वालों रांझा मर मिटने को तैयार है, और इस पवित्र छिनाल को भी देख लो, यार के साथ भाग रही है। जीप खींच लूंगा आराम जाके। एक तो गांव की पवित्रता को भंग करता है, ऊपर से जबान लड़ा। तुम दोनों ब्याह क्यों नहीं कर लेते? ब्याह क्यों नहीं कर लेते? चुप, तुम सब झूठे हो, ये पंचायत नहीं फरेबियों की चंडाल चौकड़ी है। हम यानत कभी नहीं होने चाहिए। जिस किसी ने माँ का दूध पिया है जाए सामने। अरे हम आते हैं सामने। अरे दूसरों की माँ के दूध को काहे ललकारता है सत्यानाशी? तूने तो हमारे दूध को कलंक लगा दिया, कलंक लगा दिया। डायन एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे को भोला समझ कर फंसा लिया। छोड़ दो भौजी को। अब ले जाई है उठा के और डाली है शादी। कलंकिनी तुम मर के नहीं गई? ऐसी माँ हो तुलसी को नहीं जानती तो मर जानो, पर अपने बेटे पे कलंक लगाते हुए तो लाज ना आई। तुलसी को तो सिर जल पे डाल दो, पावन हो जाता है। हमने तुलसी तुम्हारे खानदान को पावन किए हुए है, पर तुम क्या जानो सती के लक्षण, कलयुग की नार जो हो। नहीं मासी, सारे गांव में और समाज में बहुत बदनामी हुई हमारी। अब इस जीवन का क्या फायदा? अब जाने दो, छोड़ दो। अगर हम सीता जैसे सती होते तो ये धरती जरूर फट जाती। अब हमें नर्मदा मैया की गोद में ही समा जाने दो। नर्मदा मैया हमें अपनी शरण में ले लो। तुलसी तुम्हें छोड़ के कहाँ चले गए थे? फौज के रिकॉर्ड में तो हम मर चुके थे, मगर जिसकी पत्नी तुम जैसी पवित्र हो उसे तो यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। चलो गोपाल को बचा लो, सारे गांव वालों से मार डालेंगे। चलो बनी अम्मा। तुलसी बिटिया ये तोरे विश्वास की विजय। गणेश माँ, गणेश मेरा बच्चा, मेरे माँ, मेरा बेटा। माँ बहू हमें माफ कर दे बिटिया, माफ कर दे। गणेश जल्दी चल गोपाल को गांव वाले मार डालेंगे बेटा। Thank you.
हम भी फोरन के संग भागत रहे हैं। हाँ, असर कहने का इसको जाने ना पावे। आओ आओ सरपंच जी, ये रहा नरक का कीड़ा, करा दो इसकी और तुलसी की शादी। सरपंच काका, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा जुल्म मत करो, हमारी जान ले लो। पर बहुजी के साथ ब्याह, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मरो बहुजी के साथ, इसका ना पाप नहीं है मेरे साथ। हमारे गांव की इज्जत पर धब्बा आई है। नहीं नहीं, सफोलिया हो सफोलिया, वो हमर तेरे पापों का घड़ा भर गया पाप। बजा दे ताली, बार न जाए खाली। गप्पू, अरे आ गया फौजी। भैया गप्पू, देखा फौजी गप्पू, भैया गप्पू, तूने बहुत दुख उठाए भैया, बहुत दुख उठाए। अरे गणेश भैया, इस आस्तीन के सांप को गले मत लगाना, इसने तुमको मरा समझकर तुम्हारी बीवी के साथ में रंगरलियां मनाई, तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी, पूछ लो इन गांव वालों से। हाँ अच्छा, तो इस बात का इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। होश में बात कर फौजी, हम भी कोई मिट्टी के बने हुए नहीं है, इससे हिसाब तो हमें चुकाना है। फौजी अब भाग कर कहां जाता है बदमाश? बच गई है भारता की। बस चौपाल बस, अब इसे छोड़ दो, इसका फैसला हम करेंगे, अब ये मक्कार लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। इसे गोपू बेटा। माँ मंजरी। गोपू गोपू, हमें माफ कर दो ना। एक शर्त पे माफ करेंगे, हमसे ब्याह रचा लो। गोपू ये तो शर्माने लगी।